तो आप सब स्वागत है आपका फूडी रिपोर्टर चैनल में। मेरा नाम है मनीष गुप्ता। दुनियादारी को साइड में रखते हुए सीधा चलते हैं खाने पे। आज हम मंगवाए हैं रीवा के सगुन रेस्टोरेंट से भेज थाली, वो भी 60 रुपये में। तो चलिए दिखाते हैं कैसा है भेज थाली, शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। टन टन। तो दोस्तों कुछ ऐसा है भेज थाली, ये है सगुन रेस्टोरेंट का भेज थाली। तो चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या क्या है इस भेज थाली में। सबसे पहले मुझे यहाँ पे रोटी मिला है। इसमें रोटी 4 है, चावल है और दाल है, मटर पनीर की सब्जी है, एक सीजनल वेज सब्जी है। ये थाली का पैकेजिंग है और इसमें बढ़िया तरीके से पैकेजिंग किया गया है, रबड़ को चारों तरफ से लगा दिया गया है। और ये रोटी का ये पैकेजिंग है तो देख सकते हैं किस तरह से है। मैं इस प्लास्टिक को साइड में हटा देता हूँ क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं है मुझे। और चलते हैं हम सीधा खाने पे। पहले इसको मैं खोल लेता हूँ, पहले रोटी देख लेता हूँ जल्दी से। और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि गाइज ये रोटी जो है ये बटर रोटी नहीं है, ये सीधा नॉर्मल रोटी दिया गया है। तो ये रोटी कुछ इस तरह से है। 60 रुपये में आपको क्या चाहिए? तो इसका जो सुगंध है ना, आय हाय हाय, क्या बात है। तो गाइज मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पहले मैं नज़दीक में लेके आता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो भेज थाली है इसमें क्या क्या है। आखिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले चावल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये मटर और आलू की सब्जी है, ये सीजनल भेज है। और यहाँ पे सलाद है, प्याज इसमें रखा गया है। और ये दाल है, दाल को बढ़िया से तड़का मार के दिया गया है। और ये है मटर पनीर। तो यहाँ पे करीबन हमें 4 पनीर देखने को मिल रहे हैं। और ये रोटी है। तो गाइज ये है सगुन रेस्टोरेंट का भेज थाली, वो भी 60 रुपये में। आप ऑर्डर कर सकते हैं और आपको 120 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप रीवा में हैं तो आप अभी ही सगुन रेस्टोरेंट का खाना ऑर्डर करके खा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। बढ़िया इसका टेस्ट भी होगा, आई थिंक मे बी। मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। पहले मैं रोटी लेता हूँ और मैं मटर पनीर के साथ में टेस्ट करता हूँ। लिटरली सही है, एकदम सही टेस्ट है। दाल बहुत शानदार है भाई, मैं कसम से बता रहा हूँ, ये मैं पहली बार ऐसा दाल खा रहा हूँ यहाँ पे। सच में यार दाल बहुत टेस्टी है। मुझे और मैं सीजनल भेज सब्जी खा के बताता हूँ। एक नंबर। मैं थोड़ा सा चावल देता हूँ। लगभग मैं बताऊं आपको, ये थाली एक आदमी के लिए सफिशियंट है, ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि इस थाली में मुझे रोटी 1, 2, 3, 4, 5 रोटी दिए गए हैं। क्योंकि अगर आप जब ऑर्डर करेंगे ना तो वहाँ पे आपको इसका प्राइस 140 रुपये शो करेगा, फिर उसके बाद में आपको करीबन एक रोटी और ऐड करने पड़ेंगे, तब जा करके आपको 120 रुपये का वहाँ पर आपको कूपन मिल जाएगा। आपको करीबन ये 68 रुपये का पड़ेगा। और लगभग अगर देखें कि अगर ये रोटी हटा भी देना तो आपको करीबन ये थाली 58 रुपये करीब में पड़ता है। तो ये समझ लीजिए 60 रुपये के लगभग में आपका ये खर्च पड़ेगा। आप जोमेटो या स्विगी से मंगा सकते हैं। और गाइस पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, मज़ा आने वाला है। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। दुनियादारी साइड में रखो, खाना खाओ, मस्त रहो, चिल मारो। दाल का टेस्ट ही अलग है, सच में दाल का टेस्ट अलग है, बहुत अलग है। मज़ा। ओह माय गॉड, सच में शानदार लग रहा, बहुत बढ़िया। पनीर भी बहुत अच्छा है। तो गाइज अब मैं खाऊंगा, तो आप भी चाहिए जल्दी से खरीदिए और खाइए, एक बार टेस्ट करना बनता है। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल जो मेज का खाना खाएंगे आपको करीबन 60 रुपये में मिलेगा, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा खाना ये दे रहा है। मैं ऐसे कोई भी सिटी या शहर में जाता हूँ
तो मैं जरूर वहाँ के रेस्टोरेंट से खाना मंगवा करके मैं आप लोगों के समक्ष रिव्यू करूँगा। और मैं ये भी करूँगा कि मैं कहीं स्ट्रीट पे जाता हूँ तो वहाँ के जो फूड है, वहाँ के जो फेमस फूड है, सच में वो वाकई फेमस है, खाने लायक है या नहीं, मैं उसका रिव्यू करूँगा। मुझे वाकई इसका खाना अच्छा लग रहा है, वो भी 60 रुपये के अंदर में, तो मैं इसका तारीफ ज़रूर करूँगा। आपको अगर खाना है, अगर आप रीवा के शहर में हैं, मध्य प्रदेश के रीवा में हैं, तो आप सगुन रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर इस थाली को खा सकते हैं। इस थाली का नाम है भेज थाली। और मैं खाने चलता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी, सुबह से मैं कुछ नहीं खाया था, मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, तो मैं अभी खाने जा रहा हूँ। मैंने मंगाया तो मैं सोचा कि चलो आप लोगों को भी बता दे। तो गाइज स्टे ट्यून और बेल आइकन दबा के रखना, चैनल को किसी भी तरीके से करो, सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। तो धन्यवाद, बाय, नमस्कार।